वेलकम माई सोल फैमिली, देखते हैं आने वाले 48 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेगी। ऑल साइंस, ऑल जेंडर्स, ऑल रिलीजन्स के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन प्रे करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रीडिंग से मदद मिले और कुछ क्लियरिटी मिले। टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप ये वीडियो देखोगे उसके आगे के 48 आवर्स के लिए ये एनर्जी आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट करेगी। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। आने वाले 48 आवर्स में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। ये यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इशू पे काम करते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इनका फोकस रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वर्ल्ड कार्ड भी आया है। आप दोनों के रिश्ते में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सेपरेशन क्रिएट हुआ है, तो वो सेपरेशन यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इशू भी सॉर्ट आउट होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए बैक स्टेज पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और उन एफर्ट्स को सक्सेस मिलने का वो वेट कर रहे थे। उनके करियर में जॉब इशू, फाइनेंशियल इशू यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है और बहुत पॉजिटिव वे में सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। जो भी कार्मिक साइकिल, कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है वो पूरी तरीके से एंड होने वाली है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के कार्ड्स आए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का सेपरेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, और आप में से कुछ लोग आने वाले 48 आवर्स में उनके पार्टनर को मिल भी सकते हैं। आपके पार्टनर अचानक से किसी गुड न्यूज़ के साथ आपको कांटेक्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है, इसलिए मैं इस कार्ड को ऐसे ही रखूँगी और बाकी दो कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी। देखते हैं वर्ड कार्ड क्यों आया है। वर्ड कार्ड के लिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, मतलब किसी थर्ड पार्टी इशू को लेके कोई कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पर्सन जो आपकी पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन क्रिएट हुआ है, उसको लेके आपके पार्टनर के थॉट्स एकदम क्लियर है। ये इन सारे इश्यूज को पूरी तरीके से एंड करना चाहते हैं और इसके लिए इनका प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है। आपके पार्टनर अभी इस वक्त बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं और आने वाले 48 आवर्स में वो कुछ एक्शन भी लेंगे। आपके पार्टनर का पूरा फोकस आपसे कम्युनिकेट करने पे है और तीनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आप दोनों में जो सेपरेशन चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ये किसी भी हद तक अभी जाने के लिए तैयार है। जो लोग अभी अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, तो उनके पार्टनर आने वाले 48 आवर्स में थोड़ा सा स्टबन भी रह सकते हैं। एक तो वो अपने काम में बिजी रहेंगे, ये अपनी लाइफ से कोई नेगेटिव साइकिल को पूरी तरीके से ख़त्म करने की एनर्जी में है, ये कट ऑफ करने की एनर्जी की वजह से थोड़ा सा रूड बिहेव भी कर सकते हैं। देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए तो सन कार्ड आ गया, एक्सट्रीम पॉजिटिव कार्ड। आपके पार्टनर बहुत समय से उनके करियर इशूज़ या कोई फाइनेंशियल इशूज़ के लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलते हुए दिख रहा है। जो लोग सेपरेशन में है उनके पार्टनर ये सेपरेशन ख़त्म करने के लिए पूरा फोकस्ड है और बहुत जल्दी वो एक हैप्पीनेस अबंडेंस आप दोनों के रिश्ते में लाने वाले हैं। पहले शायद ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, या थोड़ा स्टबर्न बिहेवियर इनका रहा है, लेकिन अभी ये पूरा एक्शन मोड में है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं और उसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक ही कार्ड मैं क्लियर करूंगी यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स के लिए द फूल का कार्ड आया है, मतलब आपके पार्टनर आपके पास केयरफ्री होके आना चाहते हैं और उसके लिए सबसे पहले वो जो भी कार्मिक साइकिल, कार्मिक सिचुएशन है उसको ख़त्म करेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा कि वो उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं और एक्शन भी लेंगे। जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट हुई है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आने वाले 48 आवर्स में आपके पार्टनर एक तो आपसे कम्युनिकेट करेंगे,
कोई क्लैरिटी देंगे, या जो लोग कॉन्टैक्ट में है उनको थर्ड पार्टी इशू को लेके कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं। अभी देखते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या है आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आप दोनों की बातचीत इनको याद आ रही है। पहले शायद ये आप दोनों के रिश्ते को लेके बहुत सीक्रेसी मेंटेन कर रहे थे, लेकिन अभी आप दोनों का रिश्ता ये किसी से छुपाना नहीं चाहते हैं। इनकी इनसिक्योरिटीज़ और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से इन्होंने शायद कुछ गलत बिहेवियर आपके साथ किया है, कुछ रिएक्ट किया है, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन क्रिएट हुआ है। आपको ये एक प्योर सोल मानते हैं और अभी ना ये खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं ना आपको सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। ये इतनी आप दोनों के रिश्ते की वैल्यू करते हैं। आप अपने केयरिंग नेचर से और अटेंशन से इनको स्पेशल फील कराते हो। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का रीडिंग मैं यही ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप ड्रीमिंग एंड स्टे होपफुल फॉर टुमारो। कल मिलते हैं और एक नए रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।